ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऊना में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही स्वरोजगार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आईटीआई बंगाणा में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त संदीप कुमार ने की। शिविर में डीसी ने युवाओं से स्वरोजगार को अपनाकर सफलता की राह पर चलने की अपील की है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही स्वरोजगार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आईटीआई बंगाणा में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त संदीप कुमार ने की। शिविर में डीसी ने युवाओं से स्वरोजगार को अपनाकर सफलता की राह पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर कई मेहनतकश युवा अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए हैं। ऐसे में स्वरोजगार अपनाकर वे न केवल अपने लिए रोजी रोटी का अच्छा साधन ढूंढ सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। संदीप कुमार ने कहा कि युवाओं को अपने करियर के बारे में सही समय पर निर्णय लेना चाहिए और फिर अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस तक पहुंचने के लिए भरपूर मेहनत करनी चाहिए। बिना परिश्रम कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस शिविर के आयोजन के लिए काफी प्रयास किया है और ये प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब युवा प्रेरित होकर योजनाओं को लाभ उठाएंगे। उन्होंने युवाओं से अपने परिवार और आस पड़ोस में भी इन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा, ताकि जरूरतमंदों तथा योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। उपायुक्त ने सभी विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अधिकारी अपने अपने विभागों की सफलता की कहानियों के बारे में युवाओं को जागरूक करें, युवा उनसे सीख लेकर स्वरोजगार के प्रति प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा विभाग के कार्यालय में आकर योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी भी भरपूर मदद की जाए। जी सर, जिला प्रशासन ऊना, जितने भी ऊना के हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वरोजगार स्कीम्स की जानकारी देने के लिए आजकल प्रयास कर रहा है। इसी प्रक्रिया में आज ऊना जिला के बंगाणा में गवर्नमेंट आईटीआई में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, कौशल विकास निगम तथा अन्य विभाग जो हैं, उन्होंने अपनी अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में जो है जानकारी प्रदान की। मैं समझता हूँ कि इस प्रयास से जितने भी नौजवान हैं जो स्वरोजगार के को चाहत है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक जो है वो अपने विभाग की विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी दी। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि इस प्रयास के अच्छे रिजल्ट होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। शिविर के दौरान उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अंशुल धीमान ने युवाओं को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टेट मिशन फूड प्रोसेसिंग तथा सीएम स्टार्टअप योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि विभाग की ओर से उपनिदेशक डॉ. सुरेश कपूर ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में बताया। साथ ही मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना और पॉली हाउस लगाने की योजनाओं और इन पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी जानकारी दी। बागवानी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सुभाष चंद ने एकीकृत बागवानी मिशन, संघ खेती, मधुमक्खी पालन तथा मशरूम की खेती के बारे में विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में बताया। शिविर के दौरान कौशल विकास निगम के जिला संयोजक राजेश कुमार ने भी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। शिविर में आईटीआई बंगाणा के साथ साथ राजकीय महाविद्यालय बंगाणा के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया।